तो एक बार फिर से iQOO Neo 7 Pro के ऊपर एक छोटा सा एसेसरीज वीडियो है। ये जो डिवाइस है ये काफी प्यारा डिवाइस है भाई। इसके लिए हमें कैफावेयर से आया हुआ है दो जबरदस्त केस जो है हमें देखने को मिल जाता है, एक ट्रांसपेरेंट है और एक ब्लैक बॉर्डर वाले। तो इसको हम ओपन करके आपको दिखा देंगे अभी। और साथ में एक आया हुआ है 9H टेम्पर्ड ग्लास जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पर iQOO Neo 7 Pro के लिए। वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन प्रेस करिए ताकि iQOO Neo 7 Pro के ऊपर डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वीडियो आ रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दो कवर ओपन करके देखते हैं, ग्लास को थोड़ा मैं साइड करता हूं, ठीक है ना भाई। फोन जो है पीछे जो वीगन लेदर के थ्रू फोन काफी धासु लग रहा है। और मैं सबसे पहले ओपन कर देता हूं, देखता हूं कौन सा आ रहा है। पैकिंग काफी जबरदस्त है और ये तो मैंने जस्ट ओपन कर लिया। और यहाँ पर एक टीपी केस आया हुआ है जो कि कैपेवेयर की तरफ से रिमूवल गाइड सेटअप दिया गया है, कैसे कैसे आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ और थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है ना। ये जो है पैकिंग सेटअप काफी बढ़िया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ध्यान से इसको यहां से बाद में ठीक हो जाएगा, ये सारे निकल गए। ओके, ये फिर अपने हिसाब से इसको इंसर्ट करके देखते हैं iQOO Neo 7 Pro के साथ। भाई साहब एक नंबर का लग रहा है, मतलब एकदम से झकास। और यहां पर जो है कैमरा का बॉर्डर दे रखा है, यानी कैमरा प्रोटेक्शन के लिए, जो ग्लास को प्रोटेक्शन के लिए एक बॉर्डर आपको मिल जाता है। थोड़ा सा फोन, जैसे कि फोन आपको थोड़ा सा पता है गेमिंग डिवाइस, थोड़ा सा चौड़ा रहता है। और यहां पर इसका जब इसका पकड़ बनता है, ग्रिप काफी बढ़िया बन जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। यहां पर आराम से ऐसे मूवमेंट करके गेम वगैरह खेल सकते हो, काफी बढ़िया है ना। वीगन लेदर का पूरा हल्लू उठाता हुआ ये आएगा, बट यहाँ पर क्वालिटी जबरदस्त मुझे देखने को मिला। और इस साइड में आप देख सकते हो किनारे किनारे में, अगर गलती से ये गिर भी जाता है तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपके कॉर्नर में क्रैक नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी बढ़िया सेटअप इन्होंने दे रखा है, जबरदस्त डाई वगैरह सेट है। यहाँ पर नीचे भी सेटअप देख सकते हो, है ना, काफी बढ़िया है। इसको मैं जस्ट यहाँ पर हल्के से ओपन कर लेता हूँ। ये एकदम से हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टी टाइप का है, लेकिन एकदम से फिक्स है। ये जो बैकग्राउंड का जो ग्लास है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से, ये इसका बैक सेटअप में काफी बढ़िया है। यहाँ पर ओपन है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर साइड कर रहा हूँ, स्मोक कवर है, बैकग्राउंड में स्मोक है और साइड में ब्लैक है, है ना। ये देखो ये भी काफी बढ़िया लग रहा है, लुक वाइज काफी सुंदर लग रहा है। जैसे ये पूरा प्योर ट्रांसपेरेंट था और यहाँ पे ब्लैक और बैकग्राउंड में ऑरेंज है, काफी बढ़िया है। और ये जो स्मोक कवर है, आपका ब्रांड बाहर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। और यहाँ पे सेम टू सेम इनका कवर का क्वालिटी मुझे काफी पसंद आया, मैं बहुत यूज किया हूँ, बहुत सारे कंपनियों का यूज किया हूँ भाई। जो कलर है इसका, इनका जो क्वालिटी है, ये मुझे काफी पसंद आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कमाल का लग रहा है मुझे। और मैं इसको अगर फोन कर रखता हूँ, फोन एकदम से सेफली फील होता है जब फोन इसके अंदर आ जाता है, है ना। सारे डाई वगैरह सेट है, यहाँ पर एक ब्रांड नेम लिखा हुआ है कैपावेयर का, आप ठीक है ना, तो आप ये चेक कर सकते हो भाई। मेरे को तो काफी पसंद आया, इसका लिंक सब डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप चेकआउट कर लेना। अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो जरूर विजिट करिए कैपावेयर में। और iQOO Neo 7 Pro अगर टाइप करते हो भाई, आपके लिए ये जरूर शो कर जाएगा, आप वहां पर देखे परचेज कर सकते हो, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगा। अब एक ग्लास प्रोटेक्शन वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, ग्लास लगाने के बाद हमें कवर भी लगाएंगे, देख लेते हैं जस्ट हमें। क्लीनिंग आयड किट आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर ही रखा हुआ है कैपावेयर का टेम्पर्ड ग्लास, 9H टेम्पर्ड ग्लास है। और अच्छी तरह आप अपने फोन के ग्लास को अच्छी तरह वॉश कर देना, कहीं अगर छोटा मोटा लाइनिंग होगा वो भी वॉश हो जाएगा। देन ये क्लॉथ में इसको वॉश कर देना है, ये प्रोटेक्शन जो है एक तरफ से इन्होंने स्टिकर लगा रखे हैं, तो इसको हम यहां पे सेट करके प्रोटेक्शन यहां पे मैनेज करें।
बैक कवर लगाएंगे और बैक कवर लगाने के बाद देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेट होके आ रहा है, यहां से आप देख सकते हो ये खत्म हो रहा है ऑटोमेटिक, धीरे धीरे ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये लगाने के बाद ऑटो सेटअप ले लिया। और मुझे नहीं लगता इसके अंदर कहीं हमें एक भी आधा भी देखने को मिलता है जो कि डस्ट वगैरह आता है, तो मैं इसको रख के इसके ऊपर थोड़ा सा क्लॉथ को सेट कर दूंगा, तो ये परफेक्टली अपनी जगह ये ग्लास सेटअप बन गया जो कि 9H टेम्पर्ड ग्लास जो है प्रोटेक्शन काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। और ऑन कर दिया भाई, इसके अंदर काफी ठीक है, टच सेंसर वगैरह भी अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी देर यूज करके पता चलेगा। कभी भी कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन अगर आप लगाते हो तो इमीडिएट आप यूज करने लगोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, अब मिस टचिंग वगैरह होगा, यहाँ पर फिलहाल तो मुझे दिक्कत कहीं दिखा नहीं, सारे एप्लीकेशन अपनी जगह ठीक ठाक ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डन, और कैमरा वगैरह भी सब कुछ बढ़िया है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अगर यूज कर रहा हूँ सब कुछ बढ़िया लग रहा है। बाकी एक चीज और दिखाऊंगा, यहाँ पे हम इसका कवर भी यूज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कहीं टेम्पर्ड उखड़ तो नहीं रहा है, ठीक है ना, मैं जस्ट आपके सामने ही अप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी पहले हम यहां से लेके आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हमने परफेक्ट यूज किया है, ये किनारे किनारे देखो, यहां पर किनारे से थोड़ा सा दूर रहा है और आप देख सकते हो इधर भी आप पूरा डन एंड तक गया है और यहाँ पे भी सही है, मतलब यहाँ पर कवर जो है एकदम से परफेक्ट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। इस कंपनी का छोड़ के जैसे ये दोनों में यूज कर रहा हूं और ये छोड़ के मैं किसी अदर कंपनी का अगर कवर लगाऊंगा तो देखूंगा, इसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो देखो, ताकि वो भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगा जो ग्लास आप लगाते हो। जैसे मैंने ये वाला कवर मेरे पास एक है तो ये कवर भी इसके साथ परफेक्टली रह गया, कहीं भी हमें साइड से उखड़ता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि ये पूरा एकदम से फिक्स होकर रहता है, तो कहीं आपको ये ना लगे कि भाई हम टेम्पर लगाने के बाद जब कवर लगाते हैं तो ये भी थोड़ा सा उखड़ के खड़े हो जाता है, ऐसे हमें सीन देखने को नहीं मिला, आप खुद ही देखो है ना कमाल के। दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप चेकआउट कर लेना अगर आप अपने IQ Neo 7 फोन के लिए, IQ Neo 7 और IQ Neo 7 Pro दोनों डिवाइस के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो, है ना कमाल के। मिलेगा नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बंदे मातरम।